मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी, मेरा अधिकार है
कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, प्रगति का प्रथम सोपान है उत्थान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, सरलता है सबलता है सही संस्कार है हिंदी। अंत में मैं आपके सभी के साथ इन कुछ पंक्तियों के साथ एक छोटा सा संकल्प करना चाहूँ, विषय पर आते हैं। शिक्षण विद्या वह साधन है जिसके उपयोग से या उचित या सही उपयोग से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाई जा सकती है और शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को भी पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले के लोगों को लगता था कि उनके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, शिक्षण की वजह से क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो सैलरी अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी तो अच्छा जीवन बिता सकेंगे। वर्तमान समय में केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, नौकरी प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। औद्योगिकरण के इस युग में ज्ञान के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है, इसे व्यवहारिक ज्ञान कहा जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों को व्यवसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लेता है वही क्या कहलाती है, शिक्षण विधियां। तो हमारी पहली शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। ये हम लोग है ना जूनियर क्लासेस में प्राइमरी सेक्शन में ये अनुकरण विधि का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन, जो टीचर्स है वो कुछ बोल रहे हैं और बच्चे उससे सीख रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। लेखन विकास भाषण कौशल में वृद्धि करता है, अनुकरण विधि, क्योंकि वह अपने शिक्षक का अनुकरण कर रहा है, जो स्टूडेंट है जो छात्र है वो अपने शिक्षक का अनुकरण कर रहे हैं। ये अनुकरण भी चार तरह के होते हैं, लिखित अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण और मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो लिखित अनुकरण क्या होता है, जिसमें जो शिक्षक है वो बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चे उसको देख करके उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको देख करके लिख रहे हैं। दूसरा है उच्चारण अनुकरण, इसमें अध्यापक बोल बोल कर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है। जो जूनियर क्लास में है ना टीचर्स लोग टेबल बोल रही है, क ख जो शब्दों का उच्चारण करने सिखा रही है, वर्णों का उच्चारण करने सिखा रही है, ये उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत आता है। तीसरा है रचना अनुकरण, इसके अंतर्गत बालक भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सीखता है, कविता लेख आदि विद्यार्थी इस विधि के अंतर्गत ही सीखता है। और चौथा है मारिया मॉन्टेसरी विधि, इस विधि का प्रयोग आज भी है ना 2.5 साल से 6 साल के बच्चों तक इसका प्रयोग किया जाता है। इसका विकास रूस के डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा के लिए किया गया था, बाद में ये अन्य बच्चों के लिए भी उपयोग में लाई जा रही है। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इस विधि के द्वारा जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। ये भी जो है चार तरह की होती है, कर्मेंद्रीय शिक्षण, ज्ञानेन्द्रीय शिक्षण, भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण। इसमें बच्चा है करके सीखता है, जो टीचर को अनुकरित करता है उसको देखकर उसका अनुकरण करता है और इससे बच्चा सीखता है। तो हमें इस विधि का प्रयोग नीचे जो जूनियर सेक्शन होती है ना प्राइमरी सेक्शन, इसमें इसका प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। हम आते हैं अपने दूसरे विधि पर, प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में बच्चों को व्याकरण के नियमों को बताए बगैर, मतलब कि बच्चों को कोई
व्याकरण के नियम नहीं बताए गए हैं और भाषा सिखाई जाती है। इसमें बालक की मातृभाषा का प्रयोग न कर बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा सिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकती हूँ, यदि बच्चों को भाषा की, यदि किसी बच्चे की भाषा इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में उसे बोलकर नहीं सिखाएंगे, यदि हिंदी सिखा रहे हैं तो आप उसे हिंदी में बार बार बोलकर सिखाएंगे और वो आपको उस भाषा में ही रिप्लाई करेगा, उसका उत्तर देगा। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं, कि शिक्षक भी बोल रहा है और विद्यार्थी भी उसके साथ साथ बोल रहे हैं। इसके अंतर्गत आगमन एवं निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरे विधि पर हम लोग आते हैं, व्याकरण विधि। इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। भाषा को अनुकरण द्वारा की भाषा जो है, भाषा की शिक्षा जो है, आप बोल रहे हैं, आप बच्चा सीख रहा है, उसको बोल रहा है, लेकिन व्याकरण जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नियमों को बताते हैं। उन नियमों के अनुसार भाषा तो बोल करके अनुकरण विधि द्वारा सीख लेता है बच्चा, लेकिन व्याकरण विधि में हमें व्याकरण के नियमों को बताना चाहिए ताकि वो बच्चा नियमों के अनुसार भाषा में कहाँ शुद्धता रह गई, कहाँ वो शुद्ध शुद्ध बोल सके। तो ये व्याकरण विधि के अंतर्गत जाता है और हमें बच्चों को इस तरीके से व्याकरण विधि के अंतर्गत बच्चों को शुद्ध बोलना सिखाना चाहिए। अध्यापक द्वारा बताए गए व्याकरण के नियमों को छात्रों द्वारा रख लिया जाता है, जो छात्र है उन नियमों को अपने पास रख लेते हैं क्योंकि वो उसे सीख रहे हैं। ये क्या कहलाएगी, कौन सी विधि, निगमन विधि। तथा आगमन प्रणाली में विद्यार्थी अनुसरण करके स्वयं के नियम एवं सिद्धांत बनाते हैं। जैसे हम लोग बताए एग्जाम्पल दे रहे कि राम घर जाता है, ये व्याकरण के नियम है, तो बच्चा उसको सीख लिया, उसके बाद राम की जगह उसके श्याम के लिए, दिनेश के लिए, किसी भी मेल पर्सन के लिए यूज किया, तो उसको ये समझ में आ गया कि यहाँ जो राम घर जाता है तो वो उसको सीख लिया, उसके व्याकरण के नियमों को जान लिया, तो किसी भी मेल पर्सन के लिए जो लिंग है वो पुल्लिंग का इस्तेमाल करेंगे, ना कि स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करेंगे। और आगमन प्रणाली क्या होती है, ये रुचिकर होती है, बच्चों को अच्छा लगता है। और निगमन प्रणाली वो क्या होती है, रटाने वाला, कि बच्चों को बोल रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं, तो वो अरुचिकर, बच्चों को उतना अच्छा नहीं लगता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा में कम अशुद्धियां पाई जाती है। यदि हमें व्याकरण का सही सही ज्ञान हो जाए तो भाषा में हम लोग कम से कम अशुद्धियां करेंगे। तो व्याकरण के बारे में बात चली है तो व्याकरण से संबंधित हम लोग एक गेम खेलते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसमें स्वर का प्रयोग ना हुआ हो, लेकिन फिर हम लोग ये बिना स्वर के प्रयोग के कोई भी शब्द बन नहीं सकता है। तो इसको मैं थोड़ा आसान कर देती हूँ कि वहां मात्रा नहीं दिखनी चाहिए। स्वाति मैम आ जाइए। तो कौन इस गेम में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जयदेव सर, दो तो सर ही बता दिए थे। धन्यवाद सर, जयदेव सर ने कम से कम कोशिश तो की। अब
ठीक है के लिए प्रेरित करती है। इकाई विधि में मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखा जाता है, शिक्षण का उद्देश्य, विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु का विभाजन संपूर्ण पाठ्यक्रम के सत्र के अनुसार होता है, जो हम लोग प्रिंसिपल सर हम लोगों से हमेशा करवाते हैं कि पूरे सिलेबस का डिवीजन करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ। विषय वस्तु, इसके अंतर्गत पहला आता है प्रस्तावना। इसमें विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान लिखा जाता है, उसके अनुसार ही शिक्षण के उद्देश्य बनाए जाते हैं। दूसरी है प्रस्तुतीकरण। इसमें देखा जाता है कि कौन कौन सी शिक्षण सामग्री के तहत नवीन ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। इसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी ने कितना नवीन ज्ञान प्राप्त किया है, जो हम लोगों को नवीन ज्ञान दे रहे हैं, और एग्जाम के माध्यम से उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये बच्चा जो है कितना सीखा है। पांचवे में है आगमन विधि। आगमन विधि को विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, फिर इन उदाहरणों से संबंधित सिद्धांत या नियम बनाए जाते हैं। इस विधि में छात्र करके सीखता है। यह विधि व्याकरण पढ़ाने की सरल विधि है, अतः इसे व्याकरण की वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं बता सकती हूँ कि यदि हम लोग बच्चे को भाषा पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें लिखित भाषा और मौखिक भाषा बता रहे हैं, तो हम लोग बच्चों के सामने रेडियो चलाए हैं और उससे समाचार सुन रहा है वो बच्चा, तो वो जान रहा है कि ये मौखिक भाषा है क्योंकि सुन रहा है और वहां से वो बोला जा रहा है। उसी तरह से जब हम लोग लिखित भाषा बताए बच्चों को, तो उसके सामने या तो कोई बुक या न्यूज़पेपर रखे और बच्चा उसको पढ़े, उसको रीड करे, और उसके बाद बच्चे से पूछा जा सकता है कि ये भाषा का कौन सा माध्यम है, लिखित है या मौखिक है। तो बच्चा देख रहा है कि जो लिखा हुआ है, जो पढ़ रहा है, तो वो लिखित भाषा है। सिक्स नंबर पे है निगमन विधि। इस विधि में नियम बताकर उदाहरण द्वारा नियम समझाए जाते हैं। यह विधि उच्च स्तर हायर एजुकेशन के लिए, सीनियर क्लासेस के लिए उपयोगी होते हैं। यह विधि आगमन विधि के विपरीत विधि है। यह नियम से उदाहरण की ओर कार्य करती है। काफी बोर हो गए सभी, मैं देख रही हूँ सतेंद्र सर को नींद आ रही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण विधियां बताई जा रही है। सर मैथ्स टीचर है, तो सर सोच रहे कि मैं हिंदी शिक्षण विधि सुन